हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम माइन एंड डोरुपुरु साइड। और आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था और मैं फटाफट उठी, मैंने अपना दूध तैयार करा, बॉर्नविटा वाला। ऑब्वियसली बॉर्नविटा के बिना मैं दूध नहीं पी सकती, और ये बचपन से लेके अभी तक चली ही आ रही है प्रथा कि मैं बॉर्नविटा के बिना कभी भी दूध नहीं पीती। और मैंने फटाफट माइक्रो ओवन में रखा, और माइक्रो ओवन में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज़ इन कंपैरिजन टू गैस के ऊपर। और फिर उसके बाद फटाफट मैं देखने लगी कहीं ये बॉयल होकर सारा निकल ना जाए, और मेरा दूध रेडी। और मैंने ये क्या बोलते हैं इनको, नमक पारे के साथ खा लिया। और फिर हम रेडी हुए पूजा के बाद, और डोरू और मैं थोड़ा सा मैचिंग कर ही लेते हैं कभी कभार कपड़े, कभी नहीं हमेशा। और हम चले आज बाहर लंच करने के लिए, थोड़ा सा आउटिंग के लिए। और अब आई थिंक 3 to 4 days तक यही ब्लॉग डलेगा, बिकॉज आज हमने रात तक काफ़ी घूमी घूमी करी है, तो इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में दिखाऊंगी, वरना फिर क्या फ़ायदा एकदम से सब कुछ दिखा दिया, वो भी कम उसमें। और ये रहा मेरा और डोरू का आउटफिट आज का। और ये देखो हम चले, मिकी माउस इज़ माय फेवरेट, इसीलिए मिकी माउस के कपड़े ही मुझे पसंद है। और ये जो सेट है ये मेरे ब्रदर ने मेरे को दिलाया था US आने से पहले, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया। और उसके बाद हम चले घूमी घूमी करने, और डोरू का खुशी का ठिकाना नहीं। और बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी। और आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि फ्लोरिडा में जो मौसम है अभी काफ़ी ठंडा चल रहा है, अदरवाइज़ जो 7 दिन होते हैं अलग अलग ही मौसम होता है। हालांकि 2 दिन ठंडी रहती है, बट दिन में धूप निकल जाती है। और ये देखिए ग्रीनरी इन्जॉय करिए। और हम लोग पहुंच गए जहां पर आई थिंक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट ये एक रेस्टोरेंट है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। और मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग मैक्सिकन। और यहाँ से टाको बेल्स वगैरह सब कुछ मिलते, तो ऐसे ही रैंडमली देखा और वो ऑर्डर कर दिया। और यहाँ की डेकोरेशन देख रही थी कितने सुंदर है, यहाँ पर ये जो स्टेज है यहाँ पे ये डांस एंड ऑल पार्टी के लिए। और देखिए कितना सुंदर है, मैं और डोरू आराम से खड़े होके इन्जॉय कर रहे थे। डोरू के भी उतरने का नाम नहीं था, डोरू तो ऐसा कैमरा में फोकस होके देखता है हर चीज़ की, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री है अभी तक लगा हुआ था, ये बहुत सुंदर है। और ये बाहर का एरिया, जिनको बाहर खाने का मन होता है वो लोग बाहर टेबल भी लगा देते हैं, बट बाहर का वेदर बहुत ठंडा था इसलिए हमने बोला कि हम अंदर ही खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए बाहर का, ये बाहर गाड़ियाँ लगी हैं बिल्कुल लाइन में। और यहाँ पर एक फॉर्मेट है कि अगर गाड़ी लेफ़्ट से आएगी तो मतलब लेफ़्ट से ही आएगी और राइट से निकलने के, मतलब यहाँ पे रास्ते बहुत है। और ये मेरी और डोरू के क्यूट सी, उसके बाद घर आने के बाद ये हमारी रात की जो हम घूमी घूमी के लिए जा रहे थे, जिस तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पर बीच है आगे के पास, लेकिन हम काफ़ी रात हो गई थी और रात को ज़्यादा सेफ नहीं है बीचेस के पास जाना, बिकॉज़ पानी वाला एरिया है, स्नैक्स होते हैं काफ़ी छोटे 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 छोटे, कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए हम रात को नहीं जाएंगे। बट बीचेस के लिए हम लोग कोई और दिन निकालेंगे, मे बी नेक्स्ट संडे। और उससे पहले देखिए ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा है, और ये वॉकिंग पाथवे है, और ये देखो। और हम लोग चले जा रहे थे, डोरू तो बहुत इन्जॉय करता है, पहले उसको वॉक करनी नहीं आती थी, अब मेरा गुड्डा पुड्डा सब कुछ सीख चुका है। और ये देखिए, और हम चल रहे हैं, ठंडी तो लगी रही थी, फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा आगे का नज़ारा दिखा दिया जाए, ठंड तो लग रही थी। और डोरू को ठंड नहीं लग रही थी, मैं ये सोच रही थी बिना कपड़े के, और मैं इसकी बेल्ट ही सेट करती जाती हूँ हमेशा, क्योंकि इसकी नज़र पीछे कैमरे वाले पे रहती है। और ये हमारा दूसरा एरिया, मतलब ये दूसरी तरफ रोड जा रही है। और ये बाय गाइस।